तो है गाइज, अगर आप भी यहाँ पे MIUI 13 का ओल्ड कंट्रोल सेंटर यूज करते हैं और अगर यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है न्यू वाला कंट्रोल सेंटर यानी कि MIUI 14 का न्यू कंट्रोल सेंटर, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप न्यू कंट्रोल सेंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं जो MIUI 14 में यहाँ पे आपको देखने को मिला है। मतलब कि MIUI 13 में ही था बट इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करके MIUI 14 में यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज। इस तरह से आपको न्यू कंट्रोल सेंटर का लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और बात करें इसके इंस्टॉलेशन की तो वो वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल पर कहीं से भी न्यू आ गया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आएगी गाइस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, बेल आइकन को दबा दे और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके जल्दी से ज्वाइन कर ले क्योंकि जो एपीके है वो मैं यहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं, जाके जल्दी से ज्वाइन कर ले गाइस, यहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अबाउट डिवाइस में Redmi Note 10 Pro MIUI 13 पर रन कर रहा है, एंड्रॉइड वर्जन 12 है और यहाँ पे मेरे डिवाइस में ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, मतलब कि नया वाला अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ गाइज एक APK है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आपको टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना है, यहाँ पे थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं गाइज क्या चीज का APK है वो। तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिस्टम UI प्लगइन का वर्जन 13.1.1, इसको जो है मैंने MIUI 14 से एक्सट्रैक्ट किया है MIUI 14 ग्लोबल रोम से, इसलिए यहाँ पे कोई भी डेंजर नहीं है, आराम से आपका वर्क करेगा। बट MIUI 13 आपका होना चाहिए और एंड्रॉइड 12 भी यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए तभी आराम से ये वर्क करेगा, नहीं तो गाइस प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे में MIUI 13 एंड्रॉइड 12 है यहाँ पे, तो इस पर हम लोग को क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस अपडेट हो रहा है, अपडेट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस थोड़ा देर आपका लोड लेगा, लोड लेने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यू कंट्रोल सेंटर यहाँ पे आपको देखने को मिल चुका है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस ये रहा आपका म्यूजिक का और ये ब्राइटनेस का, वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ और ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और ऐसे करके यहाँ पे टॉगल्स, यहाँ से आप लोग एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आपको एडिट टॉगल्स देखने को मिलता है, जहाँ पे कैमरा का भी यहाँ पे आप देखने को मिल चुका है, कैमरा, रिकॉर्ड वीडियो और सेल्फी का मोड, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाता है न्यू MIUI 13 या फिर मैं बोलूँ MIUI 14 का कंट्रोल सेंटर, क्योंकि ये जो है डिज़ाइन MIUI 13 का है बट जो अपडेट है वो MIUI 14 का है, MIUI 14 के रोम से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे दिया है। तो आराम से जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस, टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा लिंक, डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है गाइस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको हेल्प कर दूंगा। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को विजिट कर ले और वहाँ पे ज्वाइन भी कर ले। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मेंबर्स है, कम्युनिटी है, वहाँ पे आप लोग चैट भी कर सकते हैं, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।